ତଦନ୍ତ ପୁରେ ଖବର ମିଳିଲା। उत्कंठित भाव में विश्वामित्र दौड़ी गले जनक को कुंडे पकेले विभूषण पुष्पे जाकांती जान विभूषण करण सिरे विभूषण पुष्पे जाकांती जान समस्त तो अर्थ या कर हे विभु षण पुष्प प्राय जाकांती विवर्धत स्वामी विवर्धत राजा विवर्धत पारितोषिक कहले मालिक कहले हे राजन षण पुष्प परी जाकांती छण फुलटा देखा कहो सुना भाया कहले तप्त स्वर्णांगी स्वर्णांगी सीता विभूषण करी कन्या को आण अनेक अर्थ करती जार स्वभाव सुंदरी जी ताको अलंकार पिंधे कौन ना नाई 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 ताको अलंकार पिंधेबनि अरे सीता सुंदरी बोली से कौन अनलंकृता होकर आसवे कहले विभूषण कर आण कारण जी अयोध्यार राजबधु हम जी सूर्यवंश राजबधु हम जी सूर्यवंश लक्ष्मी सी विगत भूषण ताको अलंकरण करके आण अलंकृता करके आण कहले बारण शिरे पद दे आसु बैरागी बारण हाथी हाथी शिरो गणेश मुंडे पादुती थोई देखी आसु कहीं असुविधा कौन हम ए असुविधा कौन ना ना शुणु पु कहले बुबाक तंडुल कुर्जिया तो रह गुबाक तंडुल कुर्जिया तो प्यंजलि पद मुच्योते आंजुले चाउल भितर गोटे गुआपति देकि जोड़े ये बरकोली पत्र आ दुब थोड़ीदे ताला पद तेणु वाराणसी गणेश गोटे आंजुले चाउल थोड़ी देखिए अरे वही आम साधारणत जो प्रणव ओंकार आम समस्ते ओम जार जी स्वर अच्छी किए दु घंटा जाए किए पांच घंटा जाए किए दस घंटा जाए लंबे नाई तार सब नियम अच्छे ए हस्त चंपक गंधस्या गोटे चंपा फुलटे फुटी तोली आने की फोपाड़ी दब हाथ में जी समय पर्यटन बासना रही से पर्यटन ओंकार बुझी तेरे ये पद थोदे गला ये गोटे कथा बारण दुआर बंध तार शिव उपर गोटे पद दे देखिए आसू कौन दुआर बंध पाद को थोब रेसबुक जो बंधु या बाबद अर्थ पचारिथिले बार प्रकार अर्थ कर तार शेष निर्यास हूँ कौन ना वाराणसी पद दे आसु बैराग तुम घर कौटा बारण कह देख तुम घर बारण कौटा टे ठिया हो तोर सब प्रिय बंधु घर कौटा धन्यवाद धन्यवाद जो माने कहंती जे बाप मां को न पोसी के सासु ससुर को पोसुची हला अनेक निंदा करंती मु कहली बाप मां को जति के पोसुच सासु ससुर को अधिक पोसु धन्यवाद हला धन्यवाद मो पिठरे हरि मो ससुर कथा कहि शांति का एडमिट करन तते बैरागी ससुर घर को जाउ छु तू प्रथमे काहा को मुंडिया मारु छु अरे
सुंदरी तो वो मुझसे कोई तारक होने की नहीं की ऐसे तो दारू मुझे क्या है तो फोन तारक है तो मुझे इतने दिन तक आना फिर भोग रहे क्यों मुझे सर आओ नमस्कार बस बस बा तू प्रथमे गले शशुर घर द्वार बंधु को मुंडेटी मारी द्वार बंधु को मुंडेटी से गोटी कहू बारण जो मानक घर झील अच्छा से झील मानक बारण हूँ द्वार बंधु कारण पिता रक्षती कौमारे भर्ता रक्षती जौवने स्थावरे रक्षते पुत्र स्त्री सात्यं जवाहरी जे पर्यंत झील जौवन प्राप्त न होईची से पर्यंत से बापार कोळे बस पारिबो जो दिन से पूर्ण जौवना हला बापा तक देखेबो तो मारे आज पर्यंत तुम झील होईकी थिलु एबे मु तते अन्य घर को पठे देबी से घर को जीवा पर्यंत ए द्वार बंध तो पे बारण बारण ए चारिकांत भीतर तू रहिबु हाटा हबा कथा ठीक आउ ता सेपट को जीबुनी नै झियो को हेपन तो रहिले से ना ए र तू आ सुन जान सुन सुन जो दिन ओ आया ए द्वार बंध ता पे बारण न हुए द्वार बंध को डेंगी से पळई जाय जाय से आउ एथिरो रहि थाए हम से पति गो पति गोत्रेर गोत्रिका पतिर गोत्र रे से गोत्रिका हे जाय से स्वामी रहि जाय आउ बापार ता ऊपर अधिकार न थाए बापा जदी केते बेले जीवो जुआई के पचारियो कि समुद्र समुद्रियाणी के पचारियो झियो को 8 दिन घर को नै था को कहू तो जुआई कहू अरे 20 वर्ष जहा को साहित्य की घर रखी थिला ताकू घर को 8 दिन आनिया पे हेले अनुमति दरकार जुआई कहबो मु 15 दिन हेला बाहर थिले बे 2 दिन हेला आज तुम कोन टकट कहू ए बो 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 चंडाल सुन 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 तबे बारण होउ छी द्वार बंध कला द्वार बंध को पादर आड़े दे सीताबे आसु वरण करी राम मन तोसु राम को वरण करके मन संतोष करू एक कथा जत बेले कौशिक कहि देले बोली देला प्राय गोड़ा चंदन को होइले रघुवंशिक हैं प्रत्येक हृदय रो गोटे आकर्षण थाए युवक युवती हृदय भितर जो प्रेम आकर्षण राम सीता प्रकृति पुरुष जो आकर्षण वही हरिश्री जो आकर्षण सीता पाखे पाइबे यही आकर्षण रे उल्लसित हो उठिले राम विश्वामित्र कहिले बोले विधान होइछि जाना हम सीता विशेष अटे अति पवित्रता विचारु हेमंत जनक सम्मत शुणिले सखी समाज विधान होइछि जाना हम सीता जो सीता बोली जो अक्षर दीटा लिखाई जार ना विधान विशेष भाव अति पवित्र सी किए पवित्र देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारी तर तरंगे शंकर भौली बिहारी विमले सीतार अन नाम हूँ गंगा गंगा को देखीदे पवित्र रे पुह गंगा को न छुणिले खाली आप देखीदे पवित्र खड़े गंगा कन खड़े गंगा कुरुक्षेत्र सरस्वती ग्रामे बा सर्वत्र नर्मदा आप हरिद्वार जी गंगा स्नान न करंतु गंगा को दर्शन कर दे पुण्य है जो तेणु यही कहले जे बुढ़ी नेत्र आज हेब पवित्र गंगा स्नान कले जो पवित्रता आसे सीतांकर सुंदर रूप से आखि रूपक ये पापी से गंगारे बुड़े स्नान कले सौंदर्य स्नान कले पवित्र विशेष कर्षी दे हृदय क्षेत्र सीतार अन्य नाम हूँ लंगल फाड़ लंगल जदि ये सीता गंगा न हो लंगल फाल हूँ ताले हृदय रूपक क्षेत्र को ये बर्तमान कर्षी दे चाष कर स्नेह रूपक मंजिल की पोति दब
बुणिलानी स्नेह बीज विचारु एमंत एमिति विचार करू करू सखी माने सुनिलो जनक सम्मति दे देले बोले सखी माने सीतांकु आण सीतांकर बेस करिवार समय नै ए सीतांकु आनी का सुछुन आरे ता पाख पद सांगर आउ गोटे पद बोल दउछि बोले बेष्टित तर त प्रणाखी कि तार तार परिधि कि चंद्र चंद्र चतुर्पार्श्वर तारा माने बेढ़ला भली ये बेष्टित तर तरलाखी सखी माने वो तरलाखी सखी माने बेष्टित होइछंती बेढ़िकी अछंती विधि रे मंगल विधि रे के हुळ हुळी के बिहंती विधुरे हैं विशेष भाव रे धीरे 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 आ हुळ हुळी हमकु पकेई आसीजी बोले हम कान फटेइबानी हमकु बाजा बजेई आसीजी बोले हम का कान को कष्ट देला होली होवानी कारण रघुवंश महाकाव्य कहते कवि कालिदास सुख सर्वा मंगल तुर्ज निश्वना कानु को सुंदर सुबुद्धि आवश्यक बोली मंगल विधि हुड़हुड़ी दौंती नीधु चूर्ण केहु आगरे विधुचूर्ण कर्पूर धूली आगरे बुणी बुणी चलुंट सीता कोमल पद को जंत्रणा न हो पुणी सुभाषित हो सीता लेकिन चली बजाई हेजाई मार्ग प्रवीणा के बीणा धरी अनुराग आगरे बीणा वादन कर गोटे मार्ग प्रवीणा रास्ता जाणी दासी टी आगे आगे जा पहुंचीगले सीताराम कारण ये तो बहुत समय ना भाई मैंने आसिक पहुंचे पीछे कार्यक्रम हम सीतार हाथ में वर्णमाला कवि गोस्वामी तुलसी सुहत जनु जुग जल दशन सोहत जनु जुग जल दशनला सीता हाथ रही वर्णमाला ये दुईटी भुज ये देखा जामी ना सोनाल जलद जलद बोले पद्म नाड़ुक्त पद्म भरी दुईट हाथ तक शोभा भितर अच्छी गोटे जयमाल वर्णमाल अच्छी सी सीत देता जयमाल जदि सीता हाथ हुए आपणकर पद्म ताले राम हूँ चंद्रपुओ राम सुंदर मुखमंडल सीता मुखमंडल हूँ चंद्र ताले दीटा चंद्र भितर गोटे दीटा पद्म के बेले भल रही पारे तेणु सी मुद्रित अर्थात वर्णमाल धरी सुंदर उपमा नहीं गोस्वामी तुलसी शशी सभी तो देते जय माल गाँव ही छवि अब लोक सहेली सहेली बोली सखी मान ये छवि की देखी कहले सीते हाथ में वर्णमाला धरी राम बेकर पकई दियंतु
ଅନେକ ସମୀକ୍ଷକ କହନ୍ତି ରାମ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଲେନି, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ, ରାମ ନଈ ପଡ଼ିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲାବେଳେ ସୀତା ବରଣାଳା ପକେଇଦେଲେ। ଏଥିରେ ଚଞ୍ଚକତା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଠକାମି ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନୁହଁ। କାରଣ ପତି ନିକଟରେ ପତ୍ନୀର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ଆଉ ପତ୍ନୀ ନିକଟରେ ପତିର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ତାହା କେବେ ଚଞ୍ଚକତା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୁଏନି, ତାହା କେବେ ବଞ୍ଚନା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୁଏନି। ରାମ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୃଦୁହସ ରାମଙ୍କର ମୁଖରେ ଦେଖାଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ସୀତାଙ୍କର କର କମଳ ସ୍ୱୟଂ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ରାମଙ୍କ ବେକରେ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧେଇଗଲେ। ଆଉ କହିବାକୁ ମଞ୍ଚ ରହିବାକୁ ସମୟ ତ ନାହିଁ। ସୀତାରାମଙ୍କର ହେଲା ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ଆନନ୍ଦରେ ରାଗ ଲାଗିଲେ ହୁଳହୁଳି ସନ। ଆସିଲେ ତ ଦଶରଥ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ରହିଲେ ଜନକ ପୁରୀ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ପୁରୀ ବାଞ୍ଛନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ। ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ହୋଇଥାଉ ସ୍ଥାପନ, ବିଦାୟ ବେଳାରେ ପଣ୍ଡା ଏତିକି କରେ ହରି, ହରିବୋଲ ସହିତରେ ଯିବେ ଦିବ୍ୟ ରାମ ତାଳି। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସୁନ୍ଧରା, ହୋଇଥିବେ ସମସ୍ତେ ପରା ଆନନ୍ଦେ ମଗରା। ନୀଳ ସିନ୍ଧୁ କିରେ ବସି ହସୁଛି କାଳିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରୁ ସେ ବରଜ ଧୂଳିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ୍ର ନିବେଦନ କରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, କୃପା କରିଥାନ୍ତୁ ମୋର ସେ କଳା ଠାକୁର। ହରି ହେ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ, ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ସର୍ବେ ଏକ ସ୍ୱରେ, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।